वायनाड की तबाही ने संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा दिया है। अभी तक 180 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कई लोगों के लापता होने की भी खबरें हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही वायनाड पहुंच चुके हैं। कल वायनाड को लेकर संसद में बवाल भी हुआ था। तेजस्वी सूर्य ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था और राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि राहुल ने पिछले 5 सालों में कितनी बार वायनाड के मुद्दे को सदन में उठाया है। टेकिंग प्लेस इन दीस एरियाज स्पीकर सर, आई आल्सो वांट टू आस्क, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। इन 2020 द केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेड, स्पीकर सर, इन 2020 Kerala State Disaster Management Authority advised relocating 4,000 families from landslide-prone areas in Wayanad. Till today, no action was taken and the MP representing Wayanad did not even raise this issue till today. अब तेजस्वी सूर्य के सवालों के जवाब केसी वेणुगोपाल ने दिया था। आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। Can I say politics, sir? One incident happened in Karnataka. Okay. No. Wayanad. वायनाड एक बात बताइए आप सर। सर वायनाड सर, आई नीड टू क्लैरिफाई। सदस्य मैं बोल रहा हूं, टोका टोकी मत करिए आप। सर 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 और आप सर सर ऐसा नहीं करेंगे कि आप इस तरह आई एम नॉट पॉलिटिसाइजिंग सर। ही मेंशनड अबाउट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड लास्ट 5 ईयर। सर एंटायर केरला एंटायर नेशन प्राउड ऑफ राहुल गांधी बी द मेंबर ऑफ वायनाड पार्लियामेंट। सर द वे इन विच द फ्लड सिचुएशन हैपेंड, ही केम देयर, he came there, the how much service he has done to the Wayanad family, I don't want to describe. That is why he won this time more than 360,000 votes, more than the prime minister sir, more than the majority of the prime minister sir. Okay, then sir unke vishay mein nahi kaha unhone. You are the speaker of sir. Can I say politics sir? One incident happened in Karnataka. Okay. No, Wayanad. वायनाड एक बात बताइए आप सर। सर वायनाड सर, आई नीड टू क्लैरिफाई। सदस्य मैं बोल रहा हूं, और टोका टोकी मत करिए आप। सर 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 और आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इस तरह के। आई एम नॉट पॉलिटिसाइजिंग सर। ही मेंशनड अबाउट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड लास्ट 5 ईयर। सर एंटायर केरला एंटायर नेशन प्राउड ऑफ राहुल गांधी बी द मेंबर ऑफ वायनाड पार्लियामेंट सर। द वे इन विच द फ्लड सिचुएशन हैपेंड, ही केम देयर, he came there, the how much service he has done to the Wayanad family, I don't want to describe. That is why he won this time more than 360,000 votes, more than the prime minister sir, more than the majority of the prime minister sir. Okay, then sir two sir unke vishay mein nahi kaha unhone. You are the speaker of sir. इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा था कि इस आपदा की जानकारी एक हफ्ते पहले दी जा चुकी थी। अमित शाह ने कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केंद्र ने घटना से 7 दिन पहले केरल सरकार को पूर्व चेतावनी दी थी और फिर 24 और 25 जुलाई को हमने फिर से चेतावनी दी। 26 जुलाई को चेतावनी दी गई थी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी बारिश की संभावना है और भूस्खलन भी हो सकता है। 23 जुलाई को भूस्खलन की संभावना को देखते हुए NDRF की 9 टीमें केरल भेजी गई थी। केरल सरकार ने क्या किया, क्या लोगों को दूसरी जगह भेजा गया और अगर उन्हें भेजा गया तो कैसे उनकी जान चली गई। वही इस मुद्दे पर CM पिनराई विजय ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मौसम चेतावनी थी कि वायनाड में 115 से 204 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 48 घंटों में इलाके में 572 मिलीमीटर बारिश हुई। भूस्खलन वाले दिन केवल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। त्रासदी से पहले इलाके में एक बार भी रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया था। भूस्खलन होने के बाद ही उस दिन सुबह 6 बजे रेड अलर्ट जारी किया गया था। अब ऐसे में जहां सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्या इससे पहले भी वायनाड में ऐसा कुछ हो चुका है। जो इलाके लैंडस्लाइड से अफेक्ट हुए थे उनको माधव गाडगिल रिपोर्ट में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। हालांकि इस रिपोर्ट का केरल कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार ने हमेशा से ही विरोध किया है। सिर्फ सरकारों ने नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया है। पहले आप इस रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। माधव गाडगिल वेस्टर्न घाट के एक्सपर्ट माने जाते हैं और वो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट्स पैनल WGEEP के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने 2011 में वेस्टर्न घाट के कुछ हिस्सों को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की सिफारिश की थी। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र शामिल थे। पैनल ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की थी। ये सिफारिश अब केवल कागजों तक ही सीमित रह गई।
जो भी सुझाव इस रिपोर्ट में बताए गए थे उन्हें नहीं माना गया। और अब अगर आप हाल की खबरों पर नजर डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाल के सालों में केरल ने इस क्षेत्र में प्लांटेशन से हटकर कुछ अन्य गतिविधियों को भी मंजूरी दी थी। और अब मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वायनाड में भूस्खलन की खबरें कोई नई नहीं रह गई हैं। साल 2019 में चुरनमाला मुंडकई क्षेत्र में लैंडस्लाइड से लगभग 10 किलोमीटर दूर 17 लोगों की मौत हो गई थी। केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके पीछे का कारण माइनिंग को बताया था। साल 2018-2019 में करीब 51 बार भूस्खलन होने की खबरें मिली थी। जिस इलाके में लैंडस्लाइड ज्यादा हुई थी उन इलाकों का नाम कुथुमाला निलांबूर था। इन क्षेत्रों में 34 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस बार जो लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है उसमें 572 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारी बारिश आपदा की वजह हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ इस इलाके में भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन और माइनिंग भी इस घटना की बड़ी वजह है। केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट डॉक्टर संजीव बताते हैं कि खदानों में विस्फोट से कंपन पैदा होता है जिसका असर ग्रेनाइट के जरिए दूसरे तक फैल जाता है। ये पूरा क्षेत्र उबड़ खाबड़ और अधिक नाजुक है। क्षेत्र में जो चीज सामान्य है वो है वनस्पति यानी पेड़ पौधे। हाल के सालों में आया एक नया कानून बगान वाले एक हिस्से का इस्तेमाल अन्य गतिविधियों के लिए करने की इजाजत देता है। परिणाम में ये हुआ कि बगान मालिकों का ध्यान पर्यटन के क्षेत्र की तरफ बढ़ा और उन्होंने वहाँ पे बड़ी इमारतें बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए जमीनों को समतल करना पड़ा और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। हमारे लिए गार्डगिल रिपोर्ट का रुख करना बेहद जरूरी है। इसमें बताया गया है कि इस संवेदनशील जमीन का प्रबंध अलग तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें नाजुक क्षेत्र मध्यम रूप से नाजुक और कम नाजुक क्षेत्र बताए गए। दुख की बात यह है कि पूरा राजनीतिक वर्ग इसका विरोध करने में लगा हुआ है। आपने समझा कि वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना क्यों घटी थी? इस पूरे के पूरे मुद्दे पे आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।